हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे कच्चे चावल का बिल्कुल नया तरीके का पापड़। ये पापड़ इतना ज़्यादा टेस्टी और खस्ता बनता है कि आपने एक बार इसे बना के खा लिया तो सच मानिए फ्रेंड, इस होली पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी, एकदम खस्ता क्रिस्पी पापड़ बनता है। और खस्ता क्रिस्पी करने के लिए आपको ना तो खाने का सोडा डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही पापड़ खार का, और ना तो आपको पापड़ को धूप में सुखाने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना तो आपको इसे पापड़ चावल को घंटों पकाने की ज़रूरत पड़ेगी। मिनटों में आप इतने टेस्टी से पापड़ को बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बनाना शुरू करते हैं। तो इस चावल के पापड़ को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चावल को रात भर पानी में भिगो करके रख दिया था, और देख सकते हैं हमारे चावल कितने बढ़िया सा फूल के सॉफ्ट हो चुके हैं। और जिस कप से मैंने चावल लिया था, ये देखिए, इसी कप से मैंने 2 कप चावल लिया था। आप घर की कोई कटोरी भी ले सकते हैं, उससे 2 कप चावल नाप के ले सकते हैं। 2 कप चावल से आप इतने ढेर सारे पापड़ बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे चावल फूल के कितना बढ़िया सॉफ्ट हो चुका है। तो यदि आप चावल के पापड़ को सुबह बनाना चाहते हैं तो रात भर चावल को भिगो के रख सकते हैं, आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए इस पानी को छान लेते हैं। और ये देखिए, पानी हमने छान लिया है। अब हम क्या करेंगे, चावल को पीस के तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हमने ले लिया है ग्राइंडिंग जार, और इसमें डाल देंगे यहाँ पर चावल। तो मैं यहाँ पर चावल को 2 बैचेस में पीस के तैयार करूँगी, ये देखिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे चावल डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर पानी। तो इसी कप से मैं यहाँ पर ये आधा कप पानी इसमें ऐड कर दे रही हूँ। ये देखिए, चावल के ऊपर आप देख सकते हैं कितना पानी, आधा इंच के लगभग इसके ऊपर पानी होना चाहिए। और इसे पीस के आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने इसे बढ़िया से चावल को पीस के तैयार कर लिया। आप इस चावल का बैटर देख सकते हैं, ना तो ज़्यादा पतला है और ना ही गाढ़ा है, कुछ ऐसा ही आपका बैटर चावल का होना चाहिए। तो जार में जो थोड़ा बहुत चावल का पेस्ट रह गया था, इसमें थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो चावल का पापड़ है फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और ये देखिए, आपको चावल को ना तो पकाने की ज़रूरत पड़ी, इस तरीके से आप इसे रेडी कर लीजिए। और देखिए, मैं आपको दिखा दी, एक लाइन मैंने ड्रॉप करी इस कलछी के ऊपर, तो देखिए आपस में मिल नहीं रही है, तो आप समझ जाइएगा कि बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच मैं यहाँ पर अजवाइन डाल दूँगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे यहाँ पर नमक, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप अजवाइन नहीं खाते तो आप अपने मनपसंद की चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जीरा और कलौंजी। और मैंने यहाँ पे पापड़ को बनाने के लिए इस तरीके की प्लास्टिक के ढक्कन का इस्तेमाल किया। ये देखिए, जो डिब्बे के साथ ढक्कन आता है, मैंने उसी ढक्कन का इस्तेमाल किया है। तो इसी ढक्कन पर हम यहाँ पे पापड़ बनाएंगे। तो सबसे पहले ढक्कन को यहाँ पर ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से बढ़िया सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। यदि आपके पास ऐसे प्लास्टिक के ढक्कन ना हो तो आप यहाँ पे स्टील के डिब्बे का ढक्कन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके साथ ऐसे इसी तरीके की सूजी के पापड़ की रेसिपी शेयर की है, तो आप उसमें भी देख लीजिएगा, बिल्कुल यही तरीका है पर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये देखिए, इस तरीके से अब हम इसमें बैटर डालेंगे। और बैटर डालने के बाद जो अच्छा बैटर होगा, हम उसे निकाल देंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर चावल के बिल्कुल पतले पापड़ बना के तैयार करेंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। तो मोटे पापड़ भी बना सकते हैं, पर पतले पापड़ खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये फ्राई करने में ऑयल को ज़्यादा एब्जॉर्ब भी नहीं करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप इसे रेडी कर लीजिए ढक्कन पर। ये देखिए, तो जो एक्स्ट्रा बैटर हो आप उसे निकाल दीजिए, तो आपके पापड़ बिल्कुल पतले बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने ढक्कन पे अच्छे से रेडी कर लिया है। अब ये देखिए, तो यहाँ पे हमारे रेडी हो चुके। अब हम इसके ढक्कन को क्या करेंगे, एक फिर यहाँ पर थाली लेंगे और थाली पे इसे अच्छे से सेट करेंगे। और इसे, चलिए फ्रेंड, अब हम स्टीम करने के लिए चलते हैं। स्टीम करने के लिए यहाँ पर हमने पहले से पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। ये देखिए, अब हम इस कढ़ाई में डाल देंगे, ये प्लेट को रख देंगे, ये देखिए थाली को, और बस इसे ढक करके हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसे स्टीम होने देंगे। ये पापड़ बहुत ही जल्दी से स्टीम होके तैयार हो जाएगा आपका। और ये देखिए, बस 2 से 3 मिनट हुआ है फ्रेंड, और एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। और देख सकते हैं ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंस हो चुका है, इसके ऊपर की लेयर बिल्कुल ट्रांसपेरेंस हो गई है। तो आप समझ जाइएगा कि ये पापड़ हमारे अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो इसे हम निकाल लेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर हमने ढक्कन में और भी पापड़ को रेडी किया था, और ये देखिए इसे रख देंगे। यदि आपके पास एक्स्ट्रा ढक्कन हो तो इस तरीके से पहले से रेडी कर लीजिए, एक एक करके रखते जाइएगा, तो आपके पापड़ बहुत ही जल्दी से बन करके तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए, यहाँ पे अब हम इसे क्या करेंगे, इसे निकालेंगे। तो नाइफ से हम इसे किनारे से अलग करते जाएंगे। ये देखिए,
तो इस तरीके से अलग कर लेंगे। और ये देखिए बहुत ही आसानी से देखिए पापड़ निकल रहा है, बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा पतले, बिल्कुल ट्रांसपेरेंस ये देखिए एकदम पापड़ बने हुए देख सकते हैं। यहाँ पे आप पापड़ का लुक भी देख सकते हैं, एकदम पतला ट्रांसपेरेंस। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सभी पापड़ को बिल्कुल ऐसे ही से निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से नाइफ से अलग कर लेंगे तो पापड़ बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो इस पापड़ को जब भी आप इसे निकालिए, तो जब आप इसे स्टीम करें तो स्टीम करने के बाद इसे तुरंत ही निकाल लीजिएगा। आपको इसे ठंडा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत ही पापड़ ये निकल जाएगा। ये देखिए तो कितने अच्छे से देखिए पापड़ निकल रहा है, एकदम पतला पापड़ हमारा ये रेडी हुआ है देख सकते हैं। तो ये देखिए कितना ज़्यादा पतले पतले हमारे पापड़ बने हुए हैं। तो इसी तरीके से बाकी पापड़ को हम बिल्कुल ऐसे रेडी कर लेंगे। तो ये जो ढक्कन है फ्रेंड प्लास्टिक का, अब हम इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाएंगे। एक बार आपको इसमें ऑयल लगाना है बस, और इसके बाद इस तरीके से आप इस पापड़ को बना लीजिए। और ये देखिए यदि आप स्टील के ढक्कन पे पापड़ को बनाते हैं तो आपको इसमें बार बार ऑयल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि प्लास्टिक के ढक्कन पे आप इस तरीके से इस पापड़ को, चावल के पापड़ को बनाते हैं, तो आपको बस एक बार ऑयल लगाना, बाकी इस तरीके से आप इसे रेडी कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर हमने जो स्टीम होने के लिए रख दिया था, तो ये भी बहुत अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। तो देखिए कितने बढ़िया से हमारे पापड़ अलग हो जाते हैं। देखिए बिल्कुल भी ढक्कन पे चिपकता नहीं है, और निकालते समय पापड़ टूटता भी नहीं है। तो देखिए कितने परफेक्ट ट्रांसपेरेंस पापड़ हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। और इस पापड़ को सुखाने के लिए आपको धूप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे कमरे पे रूम टेम्परेचर पे रख कर पापड़ को सुखा सकते हैं, पंखा भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़्यादा पतले पापड़ होते हैं, बहुत ही जल्दी से सूख के तैयार हो जाते हैं। 1 से 2 दिन में आपके पापड़ अच्छे से सूख के तैयार हो जाए। और ये लीजिए यहाँ पर हमने चावल के पापड़ ये देखिए बना के तैयार कर लिए हैं। देखिए 2 कप चावल से आप इतने ढेर सारे पापड़ बना के तैयार कर सकते हैं। देख सकते हैं पापड़ देखने में कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो इस पापड़ को अब हम यहाँ पे सूखने देते हैं बिना किसी पंखे के। तो पापड़ जब सूख जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि पापड़ सूखने के बाद इसका लुक कितना ज़्यादा सुंदर हो जाता है, एकदम पतला ट्रांसपेरेंट एकदम वाइट पापड़ हो जाते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पापड़ सूख के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं बिना किसी धूप के, और एकदम परफेक्ट एकदम ट्रांसपेरेंस ये पापड़ बने हुए हैं। और इस पापड़ को देख के बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि इस पापड़ को मैंने घर पर बनाया है। और ये चावल से बने हुए हैं, और देखने में बिल्कुल पतले एकदम ट्रांसपेरेंस एकदम वाइट पापड़ लग रहे हैं। और ये चावल के पापड़ हमारे यहाँ अक्सर होली पे बनाए जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये चावल के पापड़ की वीडियो शेयर की जाए, ताकि आप भी रेसिपी को ट्राई कर सके। बिल्कुल आसान सा तरीका है, जिन्हें पापड़ बनाने का झंझट लगता है, जिन्हें चावल को पकाने का भी झंझट लगता है, तो इस तरीके से आप चावल के पापड़ की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एकदम पतले पापड़ बनते हैं, ना तो फ्राई करने पर ऑयल को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो चलिए मैं आपको इससे पापड़ को फ्राई करके भी दिखाती हूँ कि फ्राई होने के बाद इस पापड़ का जो साइज होता है वो कितना ज़्यादा डबल हो जाता है फूल के। तो चलिए देखिए मैंने यहाँ पे एक पापड़ को इस तरीके से ऑयल में डाल दिया है, अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। इसके लिए ऑयल अच्छे से गर्म कीजिएगा तो आपके पापड़ बहुत ही बढ़िया से फ्राई होंगे। और देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पापड़ कितने बढ़िया से फ्राई हो रहे हैं, अपने साइज से कितने ज़्यादा डबल हो जा रहे हैं, एकदम पतले एकदम खस्ता ये पापड़ लगते हैं। और इस पापड़ को जिसे भी खिलाएंगे उसे तो बिल्कुल नहीं पता चलने वाला है कि ये पापड़ चावल से बना हुआ है। और ये देखिए कितने बढ़िया पापड़ बने हैं, और खाने में बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि ये चावल से बने हुए आपने इस पापड़ को घर पर बनाया है। और देखिए कितने बढ़िया पापड़ का लुक लग रहा है, और ये देखिए कितने ज़्यादा पतले एकदम खस्ता हमारे पापड़ बने हुए। मैं आपको पापड़ को तोड़ के भी दिखाती हूँ कि पापड़ हमारे कितने ज़्यादा परफेक्ट बने हुए हैं। तो यदि फ्रेंड आपको ये चावल के पापड़ की रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं ऐसी एक और भी कोई नई रेसिपी के साथ।